ऑलराइट, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी ट्रेडर्स, तो आप कैसे हो सारे के सारे? सो आज की वीडियो में हम थोड़ा मार्केट में, आज हमने डेली ट्रेड नहीं करा, बट आज हमने मार्केट को थोड़ा मॉर्निंग में अच्छे से वॉच करा था। तो हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से काम करा, हम मार्केट में किस तरीके से कल काम करेंगे। ठीक है गाइज, सो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो हम आ चुके हैं सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी ने आज हमारा काफ़ी अच्छा कामकाज करा। देखिए मार्केट में जब हमारा काफ़ी अच्छा हमें गैप डाउन ओपन मिलता है ना, एंड मार्केट ने कुछ इस तरीके का मोमेंटम करा होता है, इस तरीके का मोमेंटम, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जब मार्केट ने इस तरीके का कुछ मोमेंटम करा होता है, जब मार्केट ने सारे अपने लोज एंड यू नो पूरा मार्केट लोअर लोज में चलता है अपना, ठीक है। सो मार्केट में हमें ऐसी तरीके की बाइंग एक्सेप्टेड होती है, बट ऐसी तरीके की बाइंग पता कब आती है, जब मार्केट में सारे बायर, जितने भी रिटेलर बायर रहते हैं, उन सब का मन हट जाए या वो अपना लॉस बुक कर लें। तो मार्केट ने आज मॉर्निंग में हमारा इस तरीके से काम करा। मार्केट में यहाँ पे काफी अच्छी हमें मॉर्निंग के टाइम पे काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। अब हम थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ गाइस। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो, मार्केट ने हमें यहाँ पे मॉर्निंग में, यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा, एक मिनट, मार्केट में हमें इस वाले लेवल पे कहा, यहाँ पे काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। ठीक है गाइस, मार्केट के हमें इस वाले लेवल पे, यहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा बायर्स एक्टिवेट हुए, क्लोजिंग प्राइस को देखते हुए मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया अपने हाफ से, मार्केट ने काफी अच्छा रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पे फॉल करा। उसी तरीके से फॉल आज हमें बैंक निफ्टी में गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मार्केट हमें मॉर्निंग से ही बेरिश दिख रहा था। ठीक है, मार्केट ने काफी अच्छा इसका ब्रेकआउट दिया, ये भी हमारा फॉल्स ब्रेकआउट आया। तो देखिए मार्केट में जब रिटेलर ट्रेडर का दिमाग जहां पे लगने लग जाए कि बाइंग आएगी, देखिए मार्केट हमेशा हमारे जो माइंडसेट रहता है उससे अपोजिट करता है। मार्केट ने आज क्या करा, मार्केट ने हमारा आज सबसे पहले हमें काफी अच्छी गैप अप की ओपनिंग मिली। ठीक है मार्केट में, अब रिटेलर का दिमाग मार्केट का हाई से, मतलब इस वाली जगह से मार्केट के हाई से सेलिंग का बनता है। चलो यहाँ किसी ने अच्छी पोजीशन बनाई, सो बाय लक मैं बोलूंगा, बाय लक उसका काफी अच्छा प्रॉफिट बना, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का जब मोमेंटम आता है, इस तरीके का मार्केट का जब कभी मोमेंटम आता है गाइस, जैसा मैं आपको एक लर्निंग की बात बता रहा हूँ, आप प्लीज मेरे साथ कॉपरेट कीजिए, इस तरीके का मार्केट यूजली अपने हाई से सपोर्ट लेता है, बट आज मार्केट ने ऐसा नहीं करा। ठीक है, थोड़ा लक अच्छा चल गया होगा, या थोड़े सेलर लोग काफी अच्छे, जो हमारे यहाँ पे सेलर लोग बैठ रखे हैं, उन्होंने काफी अच्छा मोटा पैसा लगा रखा होगा मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पे उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अगर वो लोग मार्केट में जिसने यहाँ पैसा लगा के बैठ रखा होगा, अगर वो यहाँ पे अपनी पोजिशन काट दे, तो उसका पोजिशन होल्ड करने का क्या ही फायदा। इस बात को मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मार्केट आज हमारा काफी अच्छा काम करा, थोड़ा मार्केट से बाहर थे तब हमने वीडियो नहीं बना पाए, हमारा प्लान था, बट रोज रोज ट्रेड नहीं करना है, कभी कभार आपको मार्केट से ऑफ भी लेना है। ठीक है, तो जब मेरा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही ट्रेडिंग के उसमें वो बन रहा हूँ, या मार्केट का मैं ज्यादा ही थोड़ा एडिक्टिव हो रहा हूँ मार्केट के लिए, तो मैं कभी कभार ऐसा छोटा मोटा गैप ले लेता हूँ मार्केट में, बट मैं मार्केट को थोड़ा वॉच करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप मार्केट में पोजीशन मत बनाइए, बट आप मार्केट को थोड़ा रोज के रोज, आपका अगर आप डेली बेस में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको मार्केट को यूजली 15 से 20 मिनट तो आपको एक दिन में देखना ही देखना बहुत, और 15 से 20 मिनट ऐसे नहीं कि आप कभी फोन से कहीं आप बाहर है तो आप फोन से देख रहे हैं, तो आपने डबल टैप खोल रखे हैं, कहीं पे आपका कुछ और चल रहा है, कहीं पे आपका कुछ और चल रहा है, आपको 15 से 20 मिनट पूरा फोकस के साथ, जब आपका माइंड एकदम पीक परफॉर्मेंस में चलेगा, तब आपको मार्केट को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, सो अब हम बात करते हैं कि मार्केट में हम कल किस तरीके से काम करने वाले हैं। देखिए मार्केट ने काफी होल्ड करके, काफी यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा बायर्स को रुलाया, काफी अच्छा यहाँ पे सेलर्स को रुलाया है। ठीक है, सो यहाँ उसके बाद मार्केट ने धीरे 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 करके अप ट्रेंड की रैली करी है। ठीक है, सो ये जो हम बाइंग बोलते हैं गाइस, इस टाइप की बाइंग को, जैसा हमें कैंडल स्टिक बता रही है, काफी वीक बाइंग है। ठीक है, आप कैंडल स्टिक को भी देखें तो आप वॉल्यूम को भी देखें तो वॉल्यूम भी काफी न्यूट्रल है। ठीक है, ज्यादा खासी मतलब हमें वो नहीं दिख रही है मार्केट में। अभी मैं यहाँ पे आपको करंटली ऐसे नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे कल सेलिंग करूंगा अगर मेरे को यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग दिख रही है तो। ठीक है, मैं आपको ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि करने के लिए मैं कर दूं, बट वही है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तो प्रॉफिट बना लूंगा, मैं तो उस टाइम में बाइंग की जगह सेल नहीं चाहता, मैं ये बोलने से किसी का लॉस हो। ठीक है, अपना सजेशन एक जगह होता है, लोगों का जो ट्रस्ट होता है उसे जीतना एक जगह होता है। ठीक है, तो मार्केट में भी हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूं मैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है निफ्टी में, जैसा आप देख सकते हो 1796 का हमें एक लेवल दिख रहा है, 1966 का हमें एक लेवल
यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो इस लेवल का अगर मार्केट ने देख सकते हो आप, इस लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने रिएक्शन भी दिया है। मार्केट का एक सपोर्ट की तरह मान ली लेवल काम कर सकता है। इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग देता है, अगर मार्केट इस वाले लेवल का ब्रेक डाउन दे देता है, तो मैं डेफिनेटली एक सेलिंग साइड का हमारा सेटअप बन सकता है मार्केट में इसके रिटेस्ट के बाद होगा यहाँ। तो अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके का इसका ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट लेता है, यहाँ पे मेरा एक सेटअप बन सकता है कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर हमारा एक ऐसे करके सेटअप बन सकता है मार्केट में छोटे से SL के साथ, हम टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी की कंडीशन को देखते हुए तो मैं तो थोड़ा मार्केट में सेलिंग साइड का अपना माइंडसेट रखना चाहूंगा, और इंपॉर्टेंट लेवल अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है तो हम थोड़ा सेलिंग साइड का अपना मार्केट में व्यू रखेंगे, क्योंकि ये जो बाइंग है मार्केट में ये काफी वीक बाइंग है। ठीक है, अभी लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मार्केट में एनालाइज नहीं करा, मैंने बस आपको इतने दिन का एनालाइज करके बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं आपको कुछ मिसगाइड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको भी लेवल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सिखा पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।